सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। भारत ने छठा मेडल भी जीत लिया है, भारत ने छठा मेडल अपने नाम कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत को मिला है कांस्य पदक। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें 5 मेडल ऑलरेडी भारत अपने नाम कर चुका है और अब एक और उसकी झोली में छठा पदक भी आ गया है। कुश्ती में यह छठा पदक मिला है, अमन सहरावत ने जीता है मुकाबला। आपको बता दें कुश्ती में अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, प्यूटो रिको के रेसलर को अमन ने मात दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पेरिस ओलंपिक से, जहां पर कुश्ती में मेडल अपने नाम किया है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत की बड़ी जीत हुई कुश्ती में, अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब तक भारत को 5 मेडल और अब ये छठा मेडल भी भारत की झोली में। इससे पहले 3 मेडल शूटिंग में, एक आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने भी मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। और इसी कड़ी में अब एक और जो पदक है वो अमन सहरावत ने दिलाया है, कुश्ती में मिला है ये पदक। और उनके जो फैंस हैं वो बेहद खुश हैं और साथ ही उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भारत को अब तक 6 मेडल मिल चुके हैं। दंगल जोरदार रहा, सहरावत ने एकदम शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में यह छठा पदक भी डाल दिया है। तो कुश्ती में अमन को ब्रॉन्ज मिला है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अमन सहरावत ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीता और वो पल यादगार बन गया। देश में जश्न का माहौल है क्योंकि जो परिवार है, जो आसपास के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको उम्मीद थी और इस उम्मीद पे खरा उतरते हुए अमन सहरावत ने यह पूरा जो मुकाबला है वो जीत लिया है। तो पेरिस ओलंपिक से लगातार भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है और अब छठा मेडल भी भारत ने अपने नाम कर लिया है। ये छठा मेडल अमन सहरावत ने दिलवाया है, कुश्ती में अमन सहरावत ने ये कांस्य पदक जीता। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को आखिरकार रेसलिंग का मेडल मिल ही गया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सारी नजरें अमन सहरावत पर थी और उन्होंने निराश नहीं किया। अपने डेब्यू ओलंपिक में ही अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अमन ने इस मेडल को पूरे देशवासियों का आशीर्वाद बताया। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा के 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लम मेरे मन में 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। अमन ने पुअर्तो रिको के रेसलर को ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक तरफा अंदाज में 13-5 से शिकस्त देते हुए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में छठा मेडल आ गया। जो हमारा देश इंतजार कर रहा था कि पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में लगातार मेडल आ रहे थे, 5वां ओलंपिक भी खाली नहीं गया। मैं पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी यंग एज का है, इससे तो हम लोगों को और ज़्यादा मेडल की उम्मीद थी, दुर्भाग्य समझ लिए नहीं आया, लेकिन यह हमारा उभरता हुआ सितारा है और ये आगे तक जाएगा। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे 21 साल के अमन के लिए डेब्यू यादगार रहा। उन्होंने शुरुआत ही शानदार की और पहले ही बाउट में मैसिडोनिया के व्लादिमीर इगोरो को 10-0 से हरा दिया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में भी उनका यही कमाल देखने को मिला, जहां उन्होंने अल्बानिया के जेलिम खान अबाकरो को भी 12-0 से हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी। सेमीफाइनल में हालांकि अमन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के इस मुकाबले में अमन का जलवा शुरू से ही बरकरार रहा, जिसके दम पर उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। अमन के ब्रॉन्ज जीतते ही उनके घर जश्न शुरू हो गया, लोग बधाई देने के लिए उमड़ पड़े। मन में तो हमारे यही तेजी गोल्ड लेके आएगा, चलो उसमें थोड़ी चूक होगी, पर देश के लिए मेडल लेके आया है और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए अगली बार गोल्ड लेके आए। माता पिता नहीं हैं जी, उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। अमन की इस बेहतरीन उपलब्धियों के साथ ही भारत ने रेसलिंग में लगातार 5वें ओलंपिक में अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये बड़ी जीत है पेरिस ओलंपिक में भारत की। आपको बताते हैं प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगर बात करें तो नॉर्थ मैसेडोनिया के जो इगोर रोप डादिमिर हैं उनको अमन सरावत ने मात दी और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्बेनिया के अबकारोव जिमलिम खान को उन्होंने 12-0 से मात दी। ये शानदार प्रदर्शन उनका रहा। सेमीफाइनल में जापान के रेई हिगुची से 10-0 से उन्होंने ये जो मुकाबला था वो हार गए। कांस्य पदक मैच में डेरियन क्रूज को हराकर उन्होंने मेडल अपने नाम कर लिया। और आपको ये भी बता दें साथी कि प्यूर्टो रिको के ड्यूरियन क्रूज को उन्होंने 13-5 से इस पूरे मुकाबले में मात दी और इस तरीके से उनका जो प्रदर्शन था वो लगातार शानदार बना रहा। अमन सरावत ने अपने नाम ये ब्रॉन्ज मेडल कर लिया और भारत की झोली में ये जो छठा मेडल है वो सामने आ गया। तो कुल मिलाकर के लगातार जो मुकाबला है वो अब भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में जीत रहे हैं और इसी कड़ी में अब ये जो छठा मेडल है वो अमन सरावत ने भारत की झोली में डाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम आपको बताएं दरअसल कुछ और आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मुकाबला है वो कैसे अपने नाम किया। अमन ने दिलवाया देश को छठा मेडल। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो शानदार रही। हरियाणा के बिरोह के वो रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी से 21 साल के हैं अमन सरावत और इतनी बड़ी जीत पेरिस ओलंपिक में उन्होंने अपने नाम की है। आपको यह भी बता दें अमन सरावत जो लगातार जाने जाते हैं कि वो बहुत अपने ऊपर काम करते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, इसी कड़ी में अब उनको ये जो मेडल मिला है वो वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का पल है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है क्योंकि 5 मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं और अब ये जो छठा मेडल है वो भी भारत के नाम हो गया है।